चलिए गाइस, तो अपना ये वाला सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज अ सिमिलर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14। मैंने काफी क्वेश्चंस होमवर्क के लिए वो रखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इज गोइंग टू बी आर एक लौता क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू बी डूइंग। अभी ये वाला क्वेश्चन ना मैं इंटर के ना, तो ऑब्वियसली आई एम डूइंग ए न्यू मॉड्यूल्स के अंदर भी डाला। ओके, मैं ये सेम क्वेश्चन जो है फाइनल सी के अंदर भी कराता हूँ, बट अ अपग्रेडेड वर्जन ऑफ दैट पर्टिकुलर, मतलब क्वेश्चन जो है तो वो सेम ही रहेगा लेकिन उसका जो आंसर है ना, आई विल बी गिविंग यू अ बेटर आंसर एज कम्पेयर टू जो आईसीएनए सीए इंटर के अंदर डाला, ऑल्दो दे डोंट नो दिस पर्टिकुलर थिंग टिल सीए फाइनल ऑल्सो। तो इस क्वेश्चन के अंदर कोई झगड़ा नहीं होने वाला है कि आप लोग को एग्जाम्स के अंदर क्या करना है। जो आईसीए का आंसर है आप लोग वही लिखना, दैट इज ऑल ओके फॉर सीए इंटर लेवल। ठीक है, अभी ये ना एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, अजीब क्वेश्चन है, सो विल टेक सम टाइम फॉर यू ऑल टू बी डाइजेस्टिंग, क्योंकि इसका रिलेटेड जो थियरी है ना, ये वाला क्वेश्चन सीए इंटर के मॉड्यूल्स के अंदर है लेकिन इसका जो रिलेटेड थियरी है ना वो एक्चुअली सीए इंटर के ना नहीं है, वो सीए फाइनल के अंदर है। तो थोड़ा सा टाइम वो लगेगा, मैंने इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नीचे दे के रखा हुआ है ताकि कोई दिक्कत ना हो। लेकिन सुनो, उससे पहले ना अपने को थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी सीखना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी पहले एक बार जरा मेरे को बोलना, ये वाला वर्ड सुना हुआ है पहले? चलो ठीक है, थैंक यू, तो बच गया मैं। सुनो मेरी बात, अभी प्रोबेबिलिटी इन रियल लाइफ नो, तुम लोग शायद उसको मैथ्स का टेक्निक वो बोलते होगे, मैं उसको बिजनेस का टेक्निक बोलता हूँ। फ्यूचर इज वेरी अनसर्टन, बट वन ऑफ द वेज टू थिंक कि क्या होगा इज टू बी यूजिंग प्रोबेबिलिटी का टेक्निक। एग्जाम्पल के तौर पे, आई वॉज थिंकिंग समथिंग अबाउट द नेक्स्ट ईयर, ठीक है, मैं नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ ना कुछ सोच रहा था। नेक्स्ट ईयर के लिए मैंने सोचा कि यार नेक्स्ट ईयर कितना प्रॉफिट कमाऊंगा, लेट मी ट्राई टू हैव एन एस्टिमेट, ठीक है, ताकि आई कैन प्लान फ्यू थिंग्स कि नया सेंटर खोलूं कि नहीं खोलूं, ब्ला 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 ब्ला, आई वांटेड लाइक यू नो टू बी नोइंग दैट। तो मेरे को जानने का था कि यार क्या करूं, ओके क्या करूं मैं। तो मैंने ना एस्टिमेट करना स्टार्ट किया, मेरे को ऐसा लगा नेक्स्ट ईयर ना अराउंड 1500 स्टूडेंट्स शुड बी ज्वाइनिंग आर अकेडमी इन मुंबई अप्रोक्सीमेटली। फिर मेरे को लगा यार ये ना बहुत कंजर्वेटिव व्यू हो गया, इसी साल के अंदर वी हैड अराउंड तो 1700 स्टूडेंट्स, ओके तो फिर नेगेटिव क्यों सोचना। आई थॉट बेस्ड अपॉन द ट्रेंड नो इन द लास्ट 3 or 4 ईयर्स, नेक्स्ट ईयर मेरे को 2000 स्टूडेंट्स तो आ जाने चाहिए, लेकिन मेरे को लगा कि 1500 भी हो ही सकता है यार, मैंने शायद थोड़ा सा कंजर्वेटिव सोचा तो 1500 हुआ, थोड़ा सा कुछ नॉर्मल सोचा तो 2000 का एस्टिमेट आया। फिर मेरे को लगा ऑप्टिमिस्टिक सोचते हैं, ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव, लेट्स बी पॉजिटिव। मेरे को लगा नेक्स्ट ईयर 3000 स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं, ठीक है। आई वॉन्टेड टू फाइंड आउट कि नेक्स्ट ईयर मेरा प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है, मेरा प्रॉफिट कितना होगा। तो मैंने ना फिर एक स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट किया कि अगर 1500 बच्चे लोग आए तो भाई रेवेन्यू कितना होगा, एक्सपेंसेस क्या होंगे, प्रॉफिट कितना होगा। तो मेरे को पता चला कि प्रॉफिट जो है तकरीबन इन दिस पर्टिकुलर केस से 5 crores का होगा, ठीक है, तकरीबन जो अपना प्रॉफिट है 5 crores के आसपास का होगा। देन आई थॉट यार अगर 2000 स्टूडेंट्स कम तो देन इन दैट पर्टिकुलर केस अपना जो प्रॉफिटेबिलिटी है ना बेस्ड अपॉन द रेवेन्यूज बेस्ड अपॉन द एक्सपेंसेस अप्रोक्सीमेटली से 11 करोड़ का होगा। देन आई थॉट अगर 3000 बच्चे लोग वो आ गए ना तकरीबन मैं 18 करोड़ का प्रॉफिट में कमा लूंगा। आई थॉट लाइक दैट, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं ये सब कुछ, ठीक है। देन आई थॉट यार मेरे को 3 आंसर नहीं चाहिए, मेरे को तो एक ही आंसर चाहिए, तो फिर क्या करूं। तो देन आई स्टार्टेड टू थिंक लेट मी यूज प्रोबेबिलिटी, लेट मी यूज प्रोबेबिलिटी। जरूरी नहीं है ऐसा होगा, जरूरी नहीं है ऐसा होगा, जरूरी नहीं है ऐसा होगा, लेकिन जरूरी है कि मेरे को लगता है कि इन तीनों में से एक ही चीज होएगा, मेरे को लगता है या ये या ये या ये, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, एटलीस्ट दिस इज व्हाट एवर आई एम थिंकिंग टुडे। फिर किसने मेरे को पूछा कि यार 3 मत करना, 3 के बदले में एक ही आंसर सोचना, बस सिर्फ एक आंसर सोच।
तो देन मेरे को ना ये तीनों का एवरेज मारना है, लेकिन एवरेज इज ऑलवेज बेटर ऑफ व्हेन यू टेक वेटेड एवरेज. और वेटेड एवरेज के लिए प्रोबेबिलिटी इज अ बेस्ट टेक्निक. अभी उसके बाद आप सोचो व्हाट इज द चांस दैट दिस विल हैपन, दिस विल हैपन, दिस विल हैपन. मेरे को ऐसा लगता है देर इज 20% चांस दिस विल हैपन, 20%. तो मैंने 0.2 लिख दिया. मेरे को लगता है 70% चांस है दिस विल हैपन. मेरे को लगता है इन दिस पर्टिकुलर केस रिमेनिंग 10% चांस है दिस पर्टिकुलर थिंग विल हैपन. बस मेरा काम खत्म हो गया. तो अब मैं क्या करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू बी डूइंग वेटेड एवरेज ऑफ दीस बाय टेकिंग वेट्स एज, एक वर्ड बोलो, बाय टेकिंग वेट्स एज प्रोबेबिलिटीज, बाय टेकिंग द वेट्स एज प्रोबेबिलिटी. सो प्रोबेबिलिटी विल बी यूज एज अ वेट ओवर हियर. ओके, 5 करोड़ इंटू 0.2 1 सीआर, 7.7 सीआर, 1.8 सीआर. तो 7.7 प्लस द अबव नंबर्स तो 10.5. प्रोबेबिलिटी फाइनली क्या बोलता है, देर इज अ वन चांस दैट यू विल गेट कितने रुपीज का प्रॉफिट, 10.5 करोड़. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से दिस विल बी योर आंसर. ठीक है, प्रोबेबिलिटी रियल लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है, एस्टिमेशंस के अंदर प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा यूज होता है. एग्जांपल, मैंने एक बार ही पहले भी पूछा हुआ है, शायद योर ओपिनियंस कुड हैव चेंज आल्सो, आउट ऑफ 8 पेपर्स विच इज योर फेवरेट पेपर, सिवाय कॉस्टिंग के तो कुछ भी बोलना. चलो अकाउंट्स, चलो ठीक है अकाउंट्स, FM, चलो. ओके सर, नीरज सर लुक्स वेरी गुड सर, चलो ठीक है. तो अगर सपोज कोई बोलता है से FM, ठीक है, अभी तुम लोगों ने FM का पेपर दिया, सपोज FM का पेपर ही 100 मार्क्स का था, ठीक है, तुम लोग बाहर आए, किसी ने पूछा कितना मार्क्स मिलेगा, तुम बोलता है सॉलिड पेपर गया मेरा, मेरे को लगता है मेरे को 80 मार्क्स मिलेगा, तेरे फ्रेंड ने पूछा सच्ची, फिर तुम लोग डिप्रेशन में चला गया, बोलते है, नहीं यार इतना अच्छा भी नहीं गया, शायद सिर्फ 30 मार्क्स ही मिले. ओके, तेरे फ्रेंड ने बोला एक चीज बोलना मेरे को, एक चीज बोलना बस. ओके, दो दो मार्क्स क्या बोलता है, तो फिर तेरे फ्रेंड ने पूछा क्या चांस है तेरे को 80 मार्क्स मिलेगा, बोलता है 40% चांस है. तो बोलता और तूने पहले वो ही बोला कि 80 मार्क्स मिलेगा, मतलब 60% चांस है कि तू फेल ही होएगा ना. ओके, सो इफ यू डोंट वांट टू हैव टू ऑप्शंस, इफ यू वांट टू कन्वर्ट दोस टू ऑप्शंस इनटू वन ऑप्शन, यूज प्रोबेबिलिटी. 18 into 0.4 32, दिस इंटू दिस 18, 50 मार्क्स तरह पास हो गया. ओके, सो एज पर प्रोबेबिलिटी यू शुड बी गेटिंग ऑन एन एवरेज, तो कितना मार्क्स यार, 50 मार्क्स. सो दिस 50 इज नथिंग बट एवरेज, बट एवरेज इज वेटेड एवरेज. ठीक है, तो दिस इज काइंड ऑफ वेटेड एवरेज यूजिंग दिस ओवर हियर. ठीक, हम लोग प्रोबेबिलिटी इन रियल लाइफ, खासकर तुम लोग सीए फाइनल के अंदर, यू विल कम नो, मैं तुमको कॉस्टिंग और SFM के अंदर सॉलिड यूज करवाऊंगा. ओके, दिस इज समथिंग लाइक यू नो दैट इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन रियल वर्ल्ड. ओके, जो तुम लोगों ने CPT के अंदर या CA फाउंडेशन के अंदर वो करके रखा हुआ है, तुम्हारा मीन, फिर वो वेटेड एवरेज मीन वगैरह, ओके, ऑल दोस थिंग्स विल बी स्टार्टिंग टू गेट यूज इन अ बेटर वे एंड प्रोबेबिलिटी विल स्टार्ट टू बी कमिंग. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो करते हैं. ये क्वेश्चन इज ऑसम क्वेश्चन, समझने के लिए थोड़ा सा टाइम जाएगा, बट इट इज ऑल ओके. ठीक है, अपने को एक ही क्वेश्चन करने का है, ढंग से करेंगे, बेस्ट तरीके से करेंगे. ठीक है, पढ़िए जरा प्लीज. मेसर्स एक मिनट बेटा, वो मेरे को काउंट करना पड़ेगा कि होमवर्क सेक्शन के लिए कितना साइड छोड़ने का है. दो साइड, चार, सिक्स साइड्स,
कितना साइड? एट साइड छोड़ दो बेटा, एट साइड छोड़ दो, एट साइड, ठीक है चलो ओके। मेसर्स टायरो ट्यूब्स ट्रेड्स इन फोर व्हीलर टायर्स एंड ट्यूब्स, जो तो कोई एक कंपनी है ओके जो फोर व्हीलर वगैरह की जो टायर और ट्यूब्स वगैरह है ओके उसके लिए ट्रेड करती है। इट्स स्टॉक्स सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ टायर्स ऑफ ऑलमोस्ट एवरी व्हीकल, तो उसके पास स्टॉक होता है टायर्स वगैरह का, ठीक है। इन ईयर एंड 2022-23 द रिपोर्ट ऑफ सेल्स मैनेजर रिवील दैट मेसर्स टायरो ट्यूब्स एक्सपीरियंस स्टॉक आउट्स ऑफ टायर्स एज फॉलोज। एक मिनट, तो वो लोग क्या बोलता है कि हम लोग वैसे तो स्टॉक रखता है लेकिन ना एक साल के एंड में अपने को पता चला, एक साल के एंड में अपने को पता चला अपना स्टॉक आउट हो रहा है। मेरे को जरा बोलो स्टॉक आउट का मतलब क्या होएगा, वैसे पूछ रहा हूँ, यू ऑल हैव नॉट डन इट बिफोर, लेकिन ठीक है। तो स्टॉक आउट का मतलब क्या होएगा? स्टॉक खत्म हो गया। एग्जांपल तुम लोग कल आया, सर कॉस्टिंग का बुक्स दो, मैं बोलता हूँ खत्म हो गया भाई अभी, ओके अभी एक हफ्ते के बाद आएगा उसके बाद आना, ठीक है। तो स्टॉक आउट मतलब यू डोंट हैव द स्टॉक, ठीक है। द स्टॉक आउट डेट इज एज फॉलोज, स्टॉक आउट ऑफ टायर्स 100, नंबर ऑफ टाइम्स 2। एक मिनट, इसका मतलब क्या है? सपोज मैं कुछ भी एक बेकार सा एक नंबर ले रहा हूं, जस्ट टू पुट समथिंग इनसाइड योर हेड। मैं ना क्या करता था, मैं 1000 टायर्स का स्टॉक रखता था, 1000 टायर का, ठीक है, 1000 टायर का स्टॉक रखता था, ठीक है। तो अगर 1000 यूनिट तक डिमांड आया, आगे बोलो, तो स्टॉक आउट नहीं होएगा ना अपने पास, तो स्टॉक आउट नहीं होएगा अपने पास, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, दो बार ऐसा हुआ कि डिमांड जो है कितने यूनिट का आ गया, 1100। तो कस्टमर आया बोलता है मेरे को 1100 यूनिट दे, मैंने बोला भाई 1000 है लेके जा, बोलता ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली इन दिस पर्टिकुलर केस मैं कितने यूनिट्स का सप्लाई नहीं कर सका, 100 ना, मतलब तो 100 तो वन टाइम ओके, ऐसा दो बार हुआ, तो इज दैट ओके? ओके, तो इन दिस पर्टिकुलर केस सच थिंग्स हैपन ट्वाइस इन दिस पर्टिकुलर केस, ओके। आगे 80 यूनिट्स का स्टॉक आउट हुआ, ऐसा कितनी बार हुआ, 5 बार। उसका मतलब क्या है कि ना डिमांड आया 1080 टायर्स का, ऐसा 5 बार हुआ। कस्टमर आया बोलता 1080 टायर चाहिए, मैंने बोला भाई नहीं है 1000 है, ओके तू 1000 ले जा, बोलता ठीक है। तो 80 यूनिट्स मेरे को शॉर्ट पड़ गया यार, ओके। मेरे को एक चीज जरा बोलो, क्या कस्टमर तेरे लिए वो रुकेगा, उसको तो कितने यूनिट्स की जरूरत थी, 1080 ना, तूने कितने सप्लाई किए, 1000, तो कहने से 80 अभी अगर तुझसे नहीं मिले, आगे बोलो, वो कहीं और से ले लेगा, तो कैन वी से दैट इज काइंड ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट, नो? ठीक है, ये वाला सेंटेंस याद रखना, इट इज काइंड ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। सम पीपल कॉल दिस पर्टिकुलर थिंग एज स्टॉक आउट कॉस्ट, तुमको समझेगा प्रॉफिट लॉस्ट इज काइंड ऑफ अ कॉस्ट, नो? तेरे को कुछ मिलने वाला था, अगर नहीं मिला इट इज अ बर्डन ऑन यू, नो? इट इज अ कॉस्ट, नो? ऑन यू, ओके, तुमको समझा? आगे, अच्छा फिर 50 यूनिट का स्टॉक आउट हुआ 10 बार, 20 यूनिट का स्टॉक हुआ, स्टॉक आउट हुआ 20 बार, 10 यूनिट का स्टॉक आउट हुआ 30 बार, और 0 यूनिट्स का स्टॉक आउट हुआ कितनी बार, 30। सो 33 टाइम्स देयर वाज नो प्रॉब्लम एट ऑल, ये समझा तुम लोगों को? मतलब जितना भी स्टॉक आउट था, मतलब जितना भी स्टॉक था दैट वाज इनफ यार एज सच, ठीक है। आगे मेसर्स टायरो ट्यूब्स लूजेस 150 रुपीस पर यूनिट ड्यू टू स्टॉक आउट, दिस इज समथिंग लाइक लॉस ऑफ प्रॉफिट, ओके। तो अगर हम लोग एक यूनिट सप्लाई नहीं कर सकते तो हम लोग मानते हैं कि अपना कितना प्रॉफिट लूज हो गया बेटा, 150 रुपए का। इज दिस ओके? इज दिस ओके? 150 ने, हाँ तो 150 रुपया, ठीक है। एंड स्पेंड्स 50 पर यूनिट ऑन कैरिंग ऑफ इन्वेंट्री, वो लोग क्या बोलता है, हम लोग 50 रुपया जो है ना अपना कैरिंग कॉस्ट लगता है, 50 रुपया जो है अपना कौन सा कॉस्ट लगता है, कैरिंग कॉस्ट। डिटरमिन ऑप्टिमम सेफेस्ट स्टॉक लेवल, तो वो लोग क्या बोलते हैं ये बताओ, अपने को ऑप्टिमम कितना एक्स्ट्रा यूनिट रखना चाहिए। एक सेकेंड, 1000 यूनिट्स का स्टॉक तो हम लोग रखते ही हैं, मेरे को जरा बोलो उसके बावजूद भी स्टॉक आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना यार, ओके। तो अपने को फिर एक्स्ट्रा स्टॉक रखना चाहिए, ओके।
अब मेरे को जरा सोच समझ के बोलना, ध्यान से यहां सोच समझ के, व्हाट इज द मैक्सिमम स्टॉक आउट एवर दैट वी हैड, मैक्सिमम स्टॉक आउट 100. तो एक काम जरा करते हैं, लेट्स कीप एक्स्ट्रा स्टॉक ऑफ 100 यूनिट्स. अभी सोच के बोलना मेरे को, अगर आप 100 यूनिट्स का एक्स्ट्रा स्टॉक रखोगे थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, उसका एक एडवांटेज लेकिन एक डिसएडवांटेज, सोच के बोलना मेरे को, बोलो एडवांटेज क्या होगा? स्टॉक आउट नहीं होएगा. जितना आज तक कभी भी स्टॉक आउट हुआ मैं उतना एक्स्ट्रा स्टॉक तो रख ही रहा हूं, तो स्टॉक आउट नहीं होएगा. लेकिन एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज, मेरा कैरिंग कॉस्ट आ जाएगा यार. मेरे को एक्स्ट्रा 100 यूनिट अगर रखने होंगे, अगर मेरे को एक्स्ट्रा जो 100 यूनिट है वो रखने होंगे, तो मेरा कॉस्ट जो है वो कैरिंग का वो बढ़ जाएगा. तुमको समझ में आएगा, इफ आई कीप 100 यूनिट्स एक्स्ट्रा थ्रू आउट द ईयर, दैट 100 यूनिट्स इज ऑल्सो समथिंग लाइक माई एवरेज स्टॉक विच इज एक्स्ट्रा. नो, ये तो मैं एक्स्ट्रा स्टॉक ही रखने वाला हूं, दिस विल बी माई एक्स्ट्रा स्टॉक यार. ओके अच्छा चलो, मेरे को एक रिवर्स चीज जरा तो वो बोलो ना, मैं कुछ भी एक्स्ट्रा स्टॉक नहीं रखूंगा. चलो कुछ भी एक्स्ट्रा स्टॉक मेरे को नहीं रखने का है, मेरे को उसका एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज बोलो. कैरिंग कॉस्ट तो जीरो हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट मैं कुछ एक्स्ट्रा स्टॉक तो रख ही नहीं रहा हूं, लेकिन अपना स्टॉकआउट कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. स्टॉकआउट कॉस्ट बोले तो लॉस इन प्रॉफिट. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं तुमको फर्स्ट 3 केसेस करवा दूंगा, उसके बाद यू विल ट्राई टू फिनिश ऑफ द रिमेनिंग 3 केसेस. ठीक है, और टोटली 6 केसेस हैं. कैसे पता चला तुमको? 2 मिनट के अंदर पता चल जाएगा. पहले मैं क्या कर रहा हूं देखो, नंबर ऑफ टाइम्स विल ऑलवेज बी यूज्ड फॉर प्रोबेबिलिटी इन लाइफ. अगर मैं तुमको याद कराऊं तो, अभी इन दिस केस ना, मैं मेरे किड्स के साथ लूडो खेल रहा था. लूडो तो दिस इज 1 2 3 4 5 6. अगर एक ही डाइस लोगे, ये 6 ऑप्शन के अलावा कुछ आ तो नहीं सकता. ठीक है, हम लोगों ने 100 टाइम्स डाइस रोल किया, 100 टाइम्स. ठीक है, टाइम पास के लिए कुछ करने के लिए तो है ही नहीं, तो 100 टाइम्स डाइस रोल किया. उसके अंदर से 35 टाइम्स 5 आया, 30 टाइम्स ये आया, 5 टाइम्स ये आया, बाकी टाइम्स ये आ गया. ठीक है, इफ आई एवर आस्क यू व्हाट इज द चांस कि नेक्स्ट जब मैं रोल करेगा तो नंबर 4 आएगा, मेरे को बोलो व्हाट इज द चांस? आप 0.3 बोल लो या 30% बोल लो या 0.3 बोल लो, इट इज ऑल सेम ओनली नो. तो ये जो नंबर ऑफ टाइम्स होता है ना, दिस इज ऑलवेज गिवन ताकि यू ऑल कैन कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी. Probability is usually calculated out of 1. You can calculate it out of 100 also. तुम लोग उसको percentage के अंदर भी express कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. तो पहले ये number of times का नजर आए, total तुम्हारे एक बार. 100. ये 100 ही है, तो अपने को next काम करना बहुत easy है. अपनी notebooks के अंदर लिखो calculation of probability. अगर तुम्हारा कोई ब्रदर सिस्टर है इन सीए फाइनल, उनको भी ये वाला क्वेश्चन है. ठीक है, अगर उनको समझ में नहीं आएगा प्लीज आप लोग एक्सप्लेन कर देना उनको अच्छे तरीके से. देन इन फाइनल सी आई टीच यू अ बेटर आंसर. लेकिन वो बेटर आंसर के बारे में अब भी तो बिल्कुल भी बात नहीं करेगा. आई विल कंट्रोल माई सेल्फ. सुनो, यहां पर लिखो स्टॉक आउट ऑफ टायर्स. वो सेम कॉलम है बेटा, जो उधर है वो ही बना रहा हूं. नंबर ऑफ टाइम्स उसी को प्रोबेबिलिटी के अंदर कन्वर्ट कर लूंगा. हंड्रेड 80 50 20 10 और 0. नंबर ऑफ टाइम्स 2 5 10 20 30 33. तुम लोगों ने बोला इसका टोटल 100 है, प्लीज इसको 1 के अंदर से कन्वर्ट कर दो. अभी उसके लिए कोई कैल्स ही यूज करेगा तो माई सिंपथीज. चलो सुनो, बराबर से सुनना जो मैं तुम लोगों को बोलने वाला है. देखो,
अभी मैं सोच रहा हूं यार क्या क्या कर सकता हूं इस क्वेश्चन के अंदर. उन लोगों ने ये बोले डिटरमिन द ऑप्टिमम सेफेस्ट स्टॉक लेवल. सो आई एम थिंकिंग व्हाट आर द ऑप्शंस दैट आई हैव यार. सो फर्स्ट ऑप्शन इज आई वांट फुल सेफ्टी. फुल सेफ्टी मतलब मेरे को स्टॉक आउट नहीं चाहिए. मेरे को बोलो अगर मेरे को बिल्कुल स्टॉक आउट नहीं चाहिए मैं एक्स्ट्रा स्टॉक कितने यूनिट्स का रखूं. एक्स्ट्रा स्टॉक 100 ना. तो चलो ठीक है. तो यहां पे ऐसे जरा लिखना ऑप्शन वन कीप सेफ्टी स्टॉक एज 100 यूनिट्स. अच्छा सुनो इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से सुनना जरा मेरी बात. जैसे पिछले क्वेश्चंस के ना आप लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को बैलेंस करते थे. इस क्वेश्चंस इन क्वेश्चंस के ना आई ट्राई टू बैलेंस टू कॉस्ट. यू ऑल नो द आंसर आई नो दैट बट स्टिल टेल मी. मेरे को बोलो विच टू कॉस्ट आई शुड ट्राई टू कंसिडर. लॉस ऑफ प्रॉफिट जिसको आई स्टार्ट टू कॉल एज स्टॉकआउट कॉस्ट. ठीक है एक स्टॉकआउट कॉस्ट और एक यहां पे आ जाएगा कैरिंग कॉस्ट. ठीक है तो सबसे पहले यहां पर लिख देता हूं स्टॉकआउट कॉस्ट. मेरे को जरा बोलो अगर मैंने 100 यूनिट का एक्स्ट्रा स्टॉक रखा व्हाट इज माय चांस ऑफ हैविंग अ स्टॉकआउट. जीरो नो. तो स्टॉकआउट कॉस्ट तो जीरो हो जाएगा लेकिन अपनी बैंड बच जाएगी इन कैरिंग कॉस्ट. अच्छा कैरिंग कॉस्ट बेटा आप एक्स्ट्रा 100 यूनिट्स रखोगे और हर यूनिट के लिए आपका जो कैरिंग कॉस्ट है 50 रुपीज का लग जाएगा. अभी ये सबसे इजी ऑप्शन था इनफैक्ट. चलो लिखो ऑप्शन टू. अच्छा सुनो नेक्स्ट ऑप्शन जो है ना मैक्सिमम स्टॉक आउट उसके बाद कभी कितने यूनिट्स का हुआ है 80. सो लेट्स कीप द सेफ्टी स्टॉक एज 80 यूनिट्स. अच्छा अच्छा सुनो 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 ध्यान से सुनना मेरी बात. अभी अभी जो एग्जांपल दिया था वो प्रोबेबिलिटी वगैरह का एक और चलो लास्ट एग्जांपल. तुम लोग ना अपना कोई एक एग्जाम देकर आया टेलीग्राम के ऊपर पूछा. मैंने आप लोगों को पूछा कितना मार्क्स मिलेगा. तुम बोलता है सर 90 मिल जाएगा. मैंने बोला पक्का. बोलते नहीं सर 50% ही पक्का. चलो ठीक है दिस 50% इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी. इफ आई एवर हैव टू बी थिंकिंग कि लाइक यू नो कि तुमको कितना मार्क्स मिलेगा ना. सो व्हाट आई कैन ट्राई टू डू. तुम लोगों ने बोला 90 लेकिन उसका चांस 50% है. तो एक नॉर्मल बंदा सोच लेगा मतलब तुमको 45 मार्क्स ही मिलना चाहिए. दैट कुड बी अ थिंग. कोई ऐसा ही बोल सकता है नहीं सर देर इज 50% चांस कि 90 मिलेगा. मतलब सर शायद 80 मिल जाएगा. अब ये जो 80 है ना ये दिमाग से आया ये कंप्यूट नहीं किया. ठीक है दिस इज जस्ट एनी पर्टिकुलर फिगर लेकिन मैथमेटिक्स सेज दिस पर्टिकुलर थिंग. ध्यान से सुनना मैं क्या बोलता है. देखो 90 मार्क्स मिलेगा उसका एवरेज 50 है. ठीक है तो 45. तो कोई बोलता है सर बाकी 50% आपने नहीं बोला कि बाकी 50% का क्या चांस है. तो मतलब फिर वो जीरो हो गया. ठीक है
तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा 45। अभी ये मैं क्यों बोल रहा हूं ना, ताकि किसी के दिमाग में कुछ अजीब अजीब थॉट्स ना आए जो मैं अब बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो देखो सर, आप बोलो अगर मैंने एक्स्ट्रा 80 यूनिट्स का स्टॉक रखा, बराबर से सुनना मेरी बात, मेरे को बोलो स्टॉक आउट हो सकता है क्या? मेरे को बोलो स्टॉक आउट कब हो सकता है? जब भी एक्स्ट्रा डिमांड 100 यूनिट्स का आए। इज दिस अंडरस्टूड? अच्छा, लेकिन मेरे को जरा बोलो, अगर एक्स्ट्रा डिमांड 100, क्योंकि देखो इससे ज्यादा तो कभी डिमांड ही नहीं आया ना, ठीक है? मतलब अगर सपोज मैं नॉर्मल स्टॉक 1000 रखता था तो 1100 से ज्यादा डिमांड तो कभी आया ही नहीं ना अपना, ठीक है? तो उससे ज्यादा की तो बात ही नहीं कर सकते आप लोग, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, ठीक। लेकिन मेरे को जरा बोलो, अगर मैं एक्स्ट्रा 80 यूनिट्स रखता हूं, मैं वही वाला ऑप्शन क्रैक कर रहा हूं यार, अगर मैं एक्स्ट्रा स्टॉक 80 रखता हूं, मेरे को जरा बोलो स्टॉक आउट होने का थोड़ा बहुत चांस तो है, लेकिन स्टॉक आउट कब होएगा? जब डिमांड एक्स्ट्रा 100 यूनिट्स का आया। लेकिन 100 के अंदर से आगे बोलो, 80 तो पड़ा हुआ है ना तेरे, 80 तो पड़ा हुआ है ना तेरे पास, तो यहां पे स्टॉक आउट कितने यूनिट्स का होएगा बेटा? 20। इज दिस अंडरस्टूड? ठीक है, आप लोग यहां पे 20 लिखना, 20 यूनिट्स, 20 यूनिट्स इन टू, मेरे को बोलो एक नंबर, बोलो नंबर, बोलो एक 150। नो, रुको रुको रुको, इनटू, सुनो, लेकिन पक्का नहीं है कि ऐसा होगा, पक्का नहीं है कि ऐसा होगा। मेरे को जरा बोलो क्या चांस है कि 100 यूनिट, क्योंकि देखो अगर 100 यूनिट्स का डिमांड आया तो वही 20 यूनिट्स का स्टॉक आउट होएगा, तो ये मानते हो? तो इसका होने का चांस कितना है? 0.02। जब मैं 0.0 को बोलते हैं सर इंटू टू करना चाहिए, बेटा अगर इंटू टू करने का ना, फिर इंटू टू बाय 100 करना, ठीक है? क्योंकि आउट ऑफ 100 केसेस ओनली 2 टाइम्स दिस पर्टिकुलर थिंग कैन हैपन। सो व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग बाय 0.02, नो यू आर एवरेजिंग इट आउट। ओके, मेरे को जरा बोलो, यू आर, आप उसको एवरेज आउट कर रहे हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा। 20 यूनिट्स का स्टॉक आउट तभी होएगा जब ही, आगे बोलो, 100 यूनिट्स का डिमांड आएगा एक्स्ट्रा, और 100 यूनिट्स का डिमांड आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो तो सिर्फ 0.02 ही है ना। अंडरस्टूड? चलो अभी एक काम जरा करो, ये वाली फिगर मेरे को कंप्यूट करके दो, 60। अच्छा, अब मेरे को जरा बोलो कैरिंग कॉस्ट आएगा क्या? कैरिंग कॉस्ट तो आएगा ना यार, ये सब करने के लिए आप लोग कितने एक्स्ट्रा यूनिट्स वो रखने वाले हो? 80 18 to 50, 4000। बस मैं ऑप्शन 3 कर दूंगा, मेरा काम खत्म हो जाएगा, तुम लोग ऑप्शन 4, 5 और 6 यू विल बी कंटिन्यूइंग। तो लिखो जरा प्लीज ऑप्शन 3। अच्छा, सब लोग मेरे को जरा बोलना, ऑप्शन 3 विल बी कीप सेफ्टी स्टॉक एज 50 यूनिट्स ना। चलो ठीक है, अभी लिखो स्टॉक आउट कॉस्ट। चलो अभी अपना पोपट नहीं करवाना, सुनो मेरी बात, अगर तूने 50 यूनिट ही एक्स्ट्रा स्टॉक रखा, मेरे को बोलो स्टॉक आउट हो सकता है क्या? परफेक्ट। अब मेरे को आगे जरा बोलना, कब कब स्टॉक आउट हो सकता है? जब ही या 80 यूनिट्स का डिमांड आएगा या 100 यूनिट्स का डिमांड आएगा। चलो पहले 100 वाला केस करते, मेरे को बोलो अगर 100 यूनिट्स का डिमांड आया एक्स्ट्रा तो स्टॉक आउट कितने यूनिट्स का होएगा? 50, क्योंकि 50 तो है ना तेरे पास, यू विल सप्लाई नो 50। ओके, तो यहां पे जरा लिखना 50। मेरे को आगे दो चीजें जरा बोलना, 50 इंटू, सोच के गलत नहीं बोलना, 150। परफेक्ट परफेक्ट, उसके बाद इंटू 2%, नो, क्योंकि ये चीज होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो तो, एक मिनट,
ये वाला 50 कभी स्टॉक आउट होएगा जब ही 100 यूनिट का डिमांड आएगा. 100 यूनिट का डिमांड आने का जो चांस है 0.02 है ना इन दिस केस. चलो ठीक है, काम हो गया. ये आंसर निकालो और इनर कॉलम में लिखना, इनर कॉलम अगर अभी तक नहीं लिखा तो. 150. लेकिन एक मिनट, स्टॉक आउट की एक और घटना भी हो सकती है. स्टॉक आउट की एक और घटना कभी होगी, जब ही 80 यूनिट्स, अगर 80 यूनिट्स का डिमांड आया तो. एक मिनट, मेरे को तीन नंबर्स बोलो. 1, 2, 3. आई विल बी प्राउड ऑफ यू. बोलो. 30 × 150 आगे × 0.05. ब्रिलियंट. 225, 375 कैरिंग कॉस्ट. 50 यूनिट्स एक्स्ट्रा रखेंगे इंटू 50 रुपया. 2500. चलो, आई हैव गॉट नथिंग टू स्पीक नाउ. यू ऑल फिनिश ऑफ द क्वेश्चन प्लीज. ये खत्म कर लो, अगर किसी का वो नहीं हुआ देन आई विल शो द क्वेश्चन. एक बार मैं ये वाला ऑप्शन रिपीट कर रहा हूं, ठीक है. अगर मैं 50 यूनिट का एक्स्ट्रा स्टॉक रखता हूं, ठीक है, 50 यूनिट का मेरे पास एक्स्ट्रा स्टॉक है. अगर कभी एक्स्ट्रा 100 यूनिट्स का डिमांड आया, अगर कभी एक्स्ट्रा 100 यूनिट्स का डिमांड, तो 100 के ने से 50 तो मैंने एक्स्ट्रा रखा था ना, तो 50 यूनिट का स्टॉक आउट हो जाएगा. वो 50 इधर है, दैट इज 100 यूनिट्स का डिमांड माइनस 50 जो मेरे पास था, तो सिर्फ 50 ही मैंने सप्लाई नहीं किया इनटू स्टॉक आउट कॉस्ट. और ये 50 का स्टॉक आउट कभी होएगा, जब ये डिमांड 100 यूनिट्स का आएगा, और 100 यूनिट्स का डिमांड आने का जो प्रोबेबिलिटी है 0.02 है, ठीक है. ये एक चीज. दूसरा, अगर 80 यूनिट्स का एक्स्ट्रा डिमांड आया जो इधर है, तो 80 के अंदर से तेरे पास 50 यूनिट तो पड़े हुए हैं, तो 30 यूनिट्स का ही स्टॉक आउट होएगा इंटू 150. और 80 यूनिट्स का डिमांड आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना है 0.05, तो इंटू 0.05 कर दिया, ठीक है. तो ये आ गया 225, टोटल आ गया 375, ठीक है. लेकिन ये सब करने के लिए तू 50 यूनिट एक्स्ट्रा रखेगा थ्रू आउट द ईयर, तो 50 यूनिट इंटू तेरा कैरिंग कॉस्ट 50 रुपए का है 2500, सो टोटल 2875, ठीक. अभी आपको सेम काम आगे भी करने का है ऑप्शन नंबर 4, 5 और 6 के लिए. ऑब्वियसली ऑप्शन 4 इज कीप सेफ्टी स्टॉक एज 20 यूनिट्स. विजित वो करेक्ट ही है शायद. मैं फोर्थ ऑप्शन कर रहा हूं, किसी को डाउट आया तो. स्टॉक आउट कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, 20 यूनिट्स एक्स्ट्रा रखेंगे इंटू 50, तो ये 1000 रुपया हो जाएगा.
लेकिन स्टॉकआउट कब कब आएगा? जब ही डिमांड 100 यूनिट्स का आएगा तो 80 यूनिट्स का स्टॉकआउट हो जाएगा। जब ही डिमांड 80 का आएगा तो 20 तो पड़ा हुआ है, 60 यूनिट्स का स्टॉकआउट हो जाएगा। 50 यूनिट्स का डिमांड जब ही आया तो 30 यूनिट्स का स्टॉकआउट हो जाएगा। इनटू 150 0.02 0.05, और 50 यूनिट्स का स्टॉकआउट होने का चांस 0.1 है। ये 1140 है क्या? ठीक है, 2140। बोल बेटा। हाँ जी, वो प्रोबेबिलिटी है। हाँ जी, कि इतनी बार ये चीज हुआ है तो शायद फ्यूचर के अंदर भी ऐसा हो सकता है। हाँ मेरे को कोई ये चार नंबर बोलेगा बेटा? हाँ तो करेंगे ना बेटा, 270 300 300 600 300। ये टोटल कितना आता है? 1695 2145। लास्ट वाला यू कैन राइट डाउन, कीप द सेफ्टी स्टॉक एज जीरो यूनिट्स, ठीक है, या फिर डू नॉट कीप एनी सेफ्टी स्टॉक। आपको जो भी लिखने का है, दोनों का मतलब वही है। बोलना बेटा, नंबर ऑफ टाइम्स विल ऑलवेज बी गिवन फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग ओनली। क्योंकि अगर नंबर ऑफ टाइम्स दिया हुआ है, मतलब ऐसा चीज होने का सर्टेनिटी नहीं है। सर्टेनिटी जब नहीं होता है तो प्रोबेबिलिटी हमेशा आ जाएगा। मैं तेरे को अभी बोला कि चल लेट्स प्ले समथिंग, तूने वो खेलना स्टार्ट किया, तू आज मेरे साथ खेला, गिरा, कल नहीं गिरा तो परसों गिरा, 10 दिन के अंदर तू 4 बार गिरा। अगर मैं तेरे को ऐसा बोलता हूं कि तू रोज नहीं गिरता, मतलब देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि तू कई दिन गिरेगा कई दिन नहीं गिरेगा। तो whenever नंबर ऑफ टाइम्स आर गिवन, ऑब्वियसली दैट इज अ थिंग कि लाइक यू नो ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा। ओके, सो इट इज अ चांस ऑफ अ सर्टन थिंग हैपनिंग। ओके, अभी तूने मेरे को भुला दिया, एक मिनट। तो यहां पर तो मेरे ख्याल से
हंड्रेड एट्टी फिफ्टी ट्वेंटी टेन इंटू वन फिफ्टी इंटू जीरो पॉइंट थ्री, ये सबका मेरे को टोटल बस बता दो 2700। और यहां पर आपका जो कैरिंग कॉस्ट है तो वो तो जीरो आ जाएगा, एक्स्ट्रा स्टॉक रख ही नहीं रहे 2700। सबसे कम ऑप्शन जो है 2140 वाला है, तो कंक्लूजन के तौर पे डाल देना कंपनी इज एडवाइस टू कीप सेफ्टी स्टॉक ऑफ। बोलो बेटा, लेकिन ना इट्स ऑलवेज बेटर टू बी कंप्यूटिंग, हाउ विल यू प्रूव दैट? तू मेरे को एक चीज बोलना, हाउ विल यू प्रूव इट? यू आर सेइंग बेटा बढ़ते जा रहा है, तू मेरे को एक चीज जरा बोल। ओके, अगर सपोज यहां पर, अगर मैं तेरे को वो ऐसा बोलूं, सपोज यहां पे एक जीरो ऑप्शन के बदले में कुछ और ऑप्शन होता, तू ट्राई करना, तू बाद में, अगर सपोज मैं तेरे को यहां पे से 10 के बदले में 9 अगर रखूं, तो कैन यू 100% टेल मी दैट कॉस्ट विल फॉल? यू कैन नॉट बी दैट श्योर। तो मेरे को जरा बोल फिर कि ऐसा क्यों हुआ कि शुरू में कॉस्ट बढ़ रहा, कम हो रहा था और फिर बढ़ना चालू हुआ? सो इट कैन नॉट बी सेड इन सर्टेनिटी, इट इज बेटर टू बी कंप्यूटिंग दोज पर्टिकुलर थिंग्स, क्योंकि योर ऑब्जर्वेशन इज नॉट अ कंक्लूजन। ईदर यू ट्राई टू प्रूव इट टू मी कि ऐसा चीज कभी हो ही नहीं सकता, ओके, और इट इज बेटर टू कंप्यूट एंड शो दैट। तू ऑब्जर्वेशन बोल रहा है, तू कंक्लूजन वो नहीं बोल रहा, तो मेरे को तू एक चीज जरा बोलना। फर्स्ट केस के अंदर ये 5000 था, फिर ये 4060 था, ये 2875 हुआ। बाय दिस काइंड ऑफ अ लॉजिक तो यू कैन ऑलवेज ट्राई टू टेल मी दैट कॉस्ट इज फॉलिंग ओनली, नो सर? करेक्ट नो? बेटा लेकिन तो एक सेकेंड, ऐसा कंपल्सरी, तू मेरे को एक चीज जरा बोलना, व्हाट इज द प्रूफ ऑफ व्हाट एवर यू आर सेइंग इज 100%? तू मेरे को एक प्रूफ तो बताना, तू मेरे को प्रूफ नहीं बता रहा, तू मेरे को ऑब्जर्वेशन बता रहा है, तू मेरे को प्रूफ नहीं बता रहा। तू मेरे को ये बोल रहा है सर अभी कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट हुआ है तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तू मेरे को बोल कि ऐसा कंपल्सरी क्यों होएगा? सर क्योंकि वो जो प्रॉफिट का जो मतलब लाइक जो प्रॉफिट हम जाने दे रहे हैं वो कैरिंग कॉस्ट को अब नेगेट नहीं कर रहा है, इसलिए अब वो बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, देन यू वेट फॉर 2 years, आई विल सेंड यू सम अदर ऑप्शन ऑल्सो इन सी ए फाइनल, वेयर बाई वील ट्राई टू बी डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग, देर कुड बी सम अदर ऑप्शन विच आर बेटर देन दिस। ओके, जस्ट नाउ इट इज नॉट अ प्रूफ, इट इज अगेन एन ऑब्जर्वेशन। तू मेरे को नंबर्स के साथ बोल कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि चाहे जो मर्जी हो जाए, तू मेरे को प्रूफ ला के दे। तू ऑब्जर्वेशन बोल रहा है कि सर अभी ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है तू मेरे को वो बोल फिर। तू मेरे को नंबर्स के साथ तू प्रूफ करने का ट्राई कर, तो आराम से कर, तो आई एम देयर ओनली। ओके, आराम से कर, तो जब भी मिल जाए तू मेरे को प्रूफ भेज। सो आई एम ऑल ओके विद दैट, आई विल डिस्कस एवरीथिंग। ठीक है, चलो। कंपनीज एडवाइस टू कीप सेफ्टी स्टॉक ऑफ 20 यूनिट्स एज इट लीड्स टू लीस्ट कॉस्ट। नहीं बेटा, तो अगर सपोज ये 200 भी होता, आप उसको आउट ऑफ वन कन्वर्ट कर लो ना, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? वी फाउंड आउट द प्रोबेबिलिटी फ्रॉम दिस, इट वॉज इजियर बिकॉज द टोटल वॉज 100, तो टोटल कुछ और भी होता तो भी वो मेरा, यू कैन ओनली रोल द डाइस तो 100 टाइम्स, क्या नहीं ना यार? यू कैन रोल द डाइस तो एनी नंबर ऑफ टाइम्स, नो? तो इन एनी केस, इनफैक्ट दैट इज वन ऑफ द रीजंस, मैंने स्टेटमेंट भी बनाया ना इधर, एज समवन स्पोक आल्सो, यू मेक द स्टेटमेंट, नो? ये अगर तो 1000 के बदले में तो वो 150 भी होता, देन यू फाइंड आउट ऑफ वन, नो? तो अपना क्या चाहता है? ओके, अच्छा, इस क्वेश्चन के शॉर्ट्स के अंदर ना ऑनेस्टली मैंने, एक सेकेंड, कंपनी इज एडवाइज टू गिव सेफ्टी स्टॉक ऑफ 20 यूनिट्स एज इट लीड्स टू लीस्ट कॉस्ट। चलो सुनो मेरी बात, देखो, आई एम जस्ट गिविंग यू द एक्सप्लेनेशन वंस मोर। इफ सेफ्टी स्टॉक इज केप्ट एज 100 यूनिट्स, देयर कैन नॉट बी स्टॉक आउट,
एज एक्स्ट्रा डिमांड इज कैन ओनली बी ऑफ 100 यूनिट्स, हैंड स्टॉक आउट विल बी जीरो, बट वील हैव टू कीप एक्स्ट्रा स्टॉक ऑफ 100 यूनिट्स फॉर विच कैरिंग कॉस्ट विल गेट इनकर्ड. ये आपका ऑप्शन वन का एक्सप्लेनेशन. मैंने सब चीजों का एक्सप्लेनेशन वो नहीं दिया, इट्स ऑफ नो यूज. सेकेंड और थर्ड का दिया, इफ वी कीप सेफ्टी स्टॉक, इफ वी कीप स्टॉक ऑफ 80 यूनिट्स, देर माइट बी अ स्टॉक आउट ऑफ 20 यूनिट्स इफ डिमांड कम्स एज 100 यूनिट्स. Whenever there is might, probability comes, which is 0.02. Hence, stock out cost will be there. Hence, we'll have to be keeping stock of 80 units for which carrying cost will get incurred. Last answer. If we keep stock of 50 units, there might be a stock out of 50 units if demand comes of 100. The probability of that is 0.02. And stock out of 30 units if demand comes as 80 units. Probability is 0.1. Wo 0.1 hi tha kya? कि 0.05 था. एक सेकेंड, हाँ ये 0.05 करना बेटा, 0.05, ठीक है. वेन एवर देर इज माई तो प्रोबेबिलिटी कम्स विच इज 0.02 एंड 0.05, ठीक है. हियर वी विल हैव टू कीप स्टॉक ऑफ 50 यूनिट्स फॉर विच कैरिंग कॉस्ट विल बी इनकर्ड. We need to know the total of stock out cost and carrying cost. Least will be the best option. ठीक है, इस question को solid important mark करना. New modules के अंदर था, अभी तक exam के अंदर वो नहीं आया है. ठीक है, चलो अपना आज का work is done. Tomorrow's lecture will start off with something that is similar to EOQ, which we will finish. उसके से कुछ part एक FM का भी है, जो FM के अंदर we will not cover because we'll cover it up over here only, okay? और जो नया आएगा वो तो out of the world चीज है, ठीक है? एक last चीज, FM के अंदर there is a chapter called as inventory management. FM के अंदर, हाँ, ठीक है? वो चैप्टर एफएम के अंदर नहीं कवर अप करेंगे, वो हम लोग इधर ही कवर अप कर रहे हैं. यही चैप्टर नंबर 2 जो है एफएम के मॉड्यूल के अंदर है, और एफएम के अंदर मॉड्यूल के अंदर उन लोगों ने वही लिखा हुआ है, रेफर कॉस्टिंग मॉड्यूल चैप्टर नंबर 2. ओके, उन लोगों ने भी कुछ सिखाया नहीं है, उन लोगों ने वही लिखा है कि रेफर चैप्टर नंबर 2 ऑफ कॉस्टिंग. दैट्स व्हाट वी ऑल आर डूइंग. सो दिस इज अ कॉमन चैप्टर, ऑल्दो इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस है ना एफएम के अंदर वो लोग आज तक नहीं पूछा, मतलब पूछने का चांस बहुत कम है. मोस्टली ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो कॉस्टिंग के अंदर ही आएंगे, एफएम के अंदर वो नहीं आएंगे. तो यहां पे इट इज टू इंपॉर्टेंट, इन एफएम इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, चलिए विद दिस आई थिंक वी ऑल विल एंड द लेक्चर फॉर टुडे.